2003 की सफलता के बाद भारत के इसरो ने भारत का पहला सूर्य को समर्पित अपना सोलर मिशन 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। सुबह 11:50 को यह प्रक्षेपण हुआ। जैसा आप इस दृश्य में देख पा रहे हो, 11:50 को PSLV C-57 के द्वारा यह आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया। यही आदित्य L1 सूर्य के तेज से अब विज्ञान को प्रकाशित करेगा। आज के इस वीडियो में हम MPPSC के मेंस प्री एवं इंटरव्यू के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उन सारे तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आदित्य L1 के बारे में चर्चा करेंगे, सूर्य के आंतरिक एवं बाह्य संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से निर्भार को लेकर गए हैं, और विश्व के अन्य सोलर मिशनों की हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार चौधरी आपका सिविल जॉब्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आदित्य L1 के बारे में पहले चर्चा करेंगे, और यह वीडियो जो है, यह जो टॉपिक है, यह MPPSC मेंस में अगर हम देखें तो पेपर फर्स्ट के बी पार्ट के यूनिट 5 में उपग्रहों के बारे में आपको पूछा जाता है, तो इसमें आदित्य L1 भी आएगा। और इसके साथ ही MPPSC के पेपर 3 के यूनिट 7 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान में यह आपको पूछा जा सकता है। तो इस लिहाज से हम आज आदित्य L1 के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक चीजें देखें, फिर इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आदित्य L1 की अगर हम चर्चा करें तो यह भारत का पहला सोलर मिशन है ना, जिसे 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11:50 पर PSLV C-57 से प्रक्षेपित किया है। याद रखना है, हमारा ये जो प्रक्षेपण है ये PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। जबकि अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 GSLV यानी कि हमारा LVM जो था वो Mars 3 था, वो क्रायोजेनिक इंजन पर आधारित प्रक्षेपण यान था जो काफी शक्तिशाली है। और PSLV के 3 संस्करण, यानी कि हम PSLV के अगर हम 3 संस्करण की बात करें तो PSLV स्टैंडर्ड एक संस्करण होता है, दूसरा PSLV 4 अलोन होता है, और तीसरा PSLV XL होता है। XL PSLV का सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर संस्करण है। और यदि PSLV C-57 की अगर हम चर्चा करें तो ये XL वाला है, ये XL संस्करण है ना, जो 1750 केजी के भार को ना 600 से 900 किलोमीटर की कक्षा में जो है स्थापित करने की ताकत रखता है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, PSLV 57 के बारे में भी आपको जानकारी पूछी जा सकती है। आदित्य L1 की अगर हम चर्चा करें तो ये अंतरिक्ष आधारित भारत का पांचवा मिशन है। अंतरिक्ष आधारित तात्पर्य है कि पृथ्वी की कक्षा के बाहर यदि हमने जो सैटेलाइट भेजे है, जो उपग्रह भेजे है, जो अभियान भेजे है, वो कुल 5 भेजे है, यानी कि आदित्य L1 पांचवा अभियान है जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर हमने अंतरिक्ष में भेजा। इससे पूर्व हमने चंद्रयान 1 को भेजा था, मंगलयान को भेजा था, चंद्रयान 2 को भेजा था जो आंशिक विफल हुआ, यानी कि ज्यादातर इसका भाग हम सफल ही मानते हैं, चंद्रयान 3 जो अभी अभी हमने देखा, और तत्पश्चात जो है हमारा आदित्य L1 यह पांचवा मिशन था जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर हमने अंतरिक्ष में भेजा। पृथ्वी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा यह ध्यान रखना है। आदित्य L1 का कुल भार जो है वो लगभग 1480 केजी है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। और ये जो आदित्य L1 है, इस आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थापित किया जाए, यानी कि करना है। अब क्या है लैग्रेंज बिंदु, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये तथ्यात्मक चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थापित किया जाए। यहाँ L1 बिंदु के चारों, अर्थात अगर कोई लैग्रेंज बिंदु है तो इस बिंदु के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट बनेगा, और इस हेलो ऑर्बिट में हमारा ये आदित्य L1 जो है वह चक्कर लगाएगा, है ना। इससे क्या होगा,
कि ये आदित्य L1 यानी कि लैग्रेंज बिंदु ऐसा एक बिंदु होगा जहां पर दो बिंदु के बीच में यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वीय बल जो है वो बराबर हो जाता है, जो उसे वहां पर घूमने के लिए अपने आप ही अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा और वह घूमते रहेगा, जिससे उसमें ईंधन की खपत कम हो और ईंधन की खपत कम होने के कारण यह हमारा दीर्घकालिक जो मिशन है, जो ये जो मिशन है वो दीर्घकालिक होगा, यानी कि लगभग हम मानकर चल रहे हैं कि ये 5 साल तक चलेगा। यह 4 महीने बाद लगभग 125 दिन यानी कि जनवरी में जो है, जनवरी के पहले वीक में जो है, यह इस L1 लैग्रेंज बिंदु के हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा। आदित्य L1 की यदि हम चर्चा करें तो यह स्वदेशी प्रयास है, यानी कि इसमें लगे जो उपकरण हो गए आदित्य L1, चाहे हम PSLV से यानी कि इसके प्रक्षेपण से इसके स्थापित होने और इसके स्थापित होने के बाद वैज्ञानिक प्रयोग जो होंगे, उन वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए जो नितभार बनाए गए हैं, जो पेलोड्स बनाए गए हैं, वो सब कुछ जो है वो भारतीय इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वह बनाए गए हैं, भारतीय संस्थाओं के द्वारा जो है वो बनाए गए, यानी कि ये संपूर्ण तौर पर स्वदेशी प्रयास है ना। तो आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास। अगर हम बात करें मुख्यतः तो बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स पुणे ने मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड विकसित किए। तो ये हमारा संपूर्ण तौर पर जो है वह स्वदेशी प्रयास है और हम आशा करते हैं कि यह न केवल भारत को वरन संपूर्ण मानव जाति के लिए यह लाभदायक हो। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले हम क्यों जा रहे हैं, हमने आदित्य L1 को क्यों प्रक्षेपित किया। तो आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने के पीछे कारण यह था, उससे पहले आपको समझना होगा कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो पृथ्वी का पिता सूर्य है। तात्पर्य सूर्य के कारण ही आज हमारी पृथ्वी पर जो जैविक जगत यानी कि जीवमंडल की उत्पत्ति हुई है उसमें सबसे अहम रोल है, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत ही सूर्य है। हमारी पृथ्वी पर आज जितनी भी घटनाएं हो रही है उसका सीधा संबंध सूर्य से है, सूर्य से आने वाली उस ऊर्जा से है जिसके कारण हम जीवन जी रहे हैं। यदि हम बात करें तो हमारा कृषि कार्य, हमारा वायुमंडल, ये सब कुछ जो है वो सीधा यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर जो है वो सूर्य ऊर्जा से संचालित होता है। अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला की यदि हम शुरुआत करें तो उत्पादक से होती है और ये उत्पादक जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है अपना खाना बनाता है और उत्पादक से फिर आगे जो है वो प्रोड्यूसर्स जो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो आगे की अपनी श्रृंखला में चलते हैं, यानी कि जो उपभोक्ता। यदि पादप जगत होते और उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं हो पाती तो वो भी नहीं होते और आगे की श्रृंखला कभी चल भी नहीं पाती, यानी कि हम जीवमंडल की कभी कल्पना भी नहीं करते। तो जिस चीज से हमारी पृथ्वी जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हो रही है तो उस चीज का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो सूर्य के कोरोना, इसके बारे में चर्चा करेंगे, सूर्य का कोरोना क्या है, सौर उत्सर्जन है ना, इसमें जो जो सौर ज्वालाएं निकल रही है, सौर हवाएं निकल रही है, सौर तूफान है, ब्लैक स्पॉट्स है, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। कोरोनल मास इंजेक्शन इसके बारे में भी देखेंगे, है ना। कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में याद रखना, ये कहा जाता है कि जो सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती है उसके साथ जो प्लाज्मा द्रव्यमान होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र जो हेलो स्फीयर में जो आता है उसका अध्ययन करना है, उसमें यह किस प्रकार से इंजेक्ट होता है इस चीज का अध्ययन करना है। हालांकि वैज्ञानिक जगत ये मानता है कि कोरोनल मास इंजेक्शन जो है वो सौर ज्वालाओं से संबंधित है, किंतु इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं है। इसी जानकारी को एकत्रित करने के लिए हमने ये आदित्य L1 को जो है वो प्रक्षेपित किया। दूसरा, जो सूर्य है उसके वातावरण जो है, उसका वायुमंडल जो है उसका अध्ययन करें। उसका बाहर की ओर तापमान जो है हमें 6000 डिग्री यानी कि फोटोस्फीयर की अगर हम बात करें तो वहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है, जबकि केंद्र की ओर चले जाए तो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी कि इतना बृहत्तम अंतर किस प्रकार है। इन सारी चीजों की जानकारी के लिए जो है हमने आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सूर्य के किनारों पर उठने वाले सौर तूफानों और लहरों की गति का अध्ययन करें। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य किरणों से मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो वायुदाब की पेटियां हैं
ये वायुदाब की पेटियां जो है वो किसी कालखंड में जो है वो कमजोर हो जाती है, कहीं यह शक्तिशाली हो जाती है। तो ये कमजोर और शक्तिशाली का सीधा प्रभाव जो है भारतीय मानसून पर भी होता है या वैश्विक जलवायु पर भी होता है। हमें ये सूर्य में बनने वाले जो काले धब्बे हैं जिनके कारण या तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित हो सकती है या तो ग्लोबल डीमिंग की, जिसे आप वैश्विक शीतलन के नाम से जानते हो, इस तरह भी खरीद हो। लानिना अलनिनो का सीधा संबंध सोलर स्पॉट से होता है। सोलर स्पॉट का बनना और बिगड़ना ये हमारी वायुदाब की पेटियों को या तो मजबूत करेगा या तो कमजोर करेगा, जिससे या तो अलनिनो की घटना घटित हो सकती है या तो लानिना, और दोनों ही घटना जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक भारतीय मानसून के परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, क्योंकि लानिना में आवश्यकता से अधिक बारिश आती है जो बाढ़कारी होती है, और अलनिनो में जो है वो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि हमारा मानसून अरेबियन क्षेत्र में जो है वो शिफ्ट हो जाता है ना, क्योंकि बे ऑफ बंगाल पर हाई प्रेशर में जाता है। तो इसका सीधा संबंध जो है वो सौर कलंकों से माना जाता है, यानी कि सोलर स्पॉट से माना जाता है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए जो है हमने आदित्य वर्मा को भेजा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवं चुंबकीय कणों का अध्ययन भी हमें करना है। देखिए, सौर ज्वालाएं ये ऐसी ज्वालाएं होती है जो लगभग अरबों हाइड्रोजन बम यदि एक साथ विस्फोट किया जाए तो जितनी ऊर्जा निकलती है उतना सौर ज्वाला के एक विस्फोट से निकलती है, और ये सौर ज्वालाएं लाखों किलोमीटर तक जो है वो प्रसारित होती है, और हो सकता है कि इसका प्रभाव पृथ्वी पर आए। और पृथ्वी पर जब यह आता है तो एक चीज तो है कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है जो इन सौर ज्वालाओं को रिफ्लेक्ट कर सकता है, इन तरंगों को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो तो क्या प्रभाव होगा, है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमने आदित्य L1 को वहां पर भेजा है, जो इन सारी चीजों की जानकारी एकत्रित करेगा, जिससे हम इसके प्रभाव को मिटा तो नहीं सकते लेकिन कम अवश्य कर सकते। देखिए, प्रभाव को तो झेलना पड़ेगा लेकिन उस प्रभाव से होने वाले नुकसानों को हम कम कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हम आदित्य L1 क्यों नाम दिया। देखिए, आदित्य सूर्य का एक नाम है, ये सभी को पता है, लेकिन L1 क्या है। L1 एक लैंग्रेंज नाम दिया गया है, याद रखना है ये लैंग्रेंज नाम एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि जो इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ है जिनका नाम है जोसेफ लुई लैंग्रेंज, उनके नाम पर रखा गया। हालांकि इससे पहले भी लैंग्रेंज बिंदु जो है वह खोजे गए थे, लेकिन नामकरण जो है इनके नाम पर रखा गया है, जोसेफ लुई लैंग्रेंज के नाम पर रखा है। अब लैंग्रेंज बिंदु होता क्या है, तो सबसे पहले समझना होगा कि अंतरिक्ष में स्थित वह बिंदु जहां दो खगोलीय पिंड, याद रखना दो खगोलीय पिंड, में केवल पृथ्वी और सूर्य की बात नहीं कर रहा, मैं दो खगोलीय पिंड में सूर्य और मंगल की भी चर्चा कर सकता हूँ, सूर्य और शुक्र की भी चर्चा कर सकता हूँ, सूर्य बृहस्पति की भी चर्चा कर सकता हूँ। तो लैंग्रेंज बिंदु दो खगोलीय पिंड के गुरुत्वीय बल जहां पर बराबर होते हैं वह बिंदु जो है वो लैंग्रेंज बिंदु कहलाता है। दो गुरुत्वीय शक्तियां जहां पर बराबर हो जाती दो बिंदुओं के बीच में, वहां पर याद रखना है वह क्षेत्र जो होता है वो स्थिर क्षेत्र बन जाता है। तो इसी लैंग्रेंज बिंदु पर याद रखना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में इसी लैंग्रेंज बिंदु पर जो है कोई भी सैटेलाइट को हम अगर स्थापित करेंगे तो वहां पर स्थिर तरीके से जो है अपना कार्य कर सकता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 लैंग्रेंज बिंदु जो है वह देखे गए और होते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि लैंग्रेंज बिंदु पर L1 पृथ्वी है ना, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम L1 को देख रहे हैं, L2 को देख रहे हैं, L3 L4 को देख रहे हैं, L5 को देख रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, जिस प्रकार से आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है कुल 5 लैंग्रेंज बिंदु, कितने हैं 5 लैंग्रेंज। अब ध्यान देना है, अगर मान लिया जाए कि मैं अगर सूर्य से इस ओर चलते जाऊं और पृथ्वी से इस ओर चलते जाऊं, मानना है केवल सूर्य से चल नहीं पाएंगे, है ना, केवल समझना है, अगर यहां से एक सूर्य की ओर खींचने वाली ताकत है, यहां से पृथ्वी की ओर खींचने वाली ताकत है, तो दोनों को यदि आगे बढ़ाया जाए तो एक क्षेत्र ऐसा आएगा जहां पर न तो इस क्षेत्र से इस वाले ऑब्जेक्ट को ये इधर की ओर खींच पाएगा और न ये इधर की ओर खींच पाएगा,
तो ये एक लैग्रेंज पॉइंट बनता है। लेकिन पृथ्वी के अपने घूर्णन गति अपकेंद्रीय बल के कारण किसी अन्य क्षेत्र में भी जो है वो लैग्रेंज बिंदु बन सकते हैं, जैसे आप L5 को देख रहे हो और L4 को देख रहे हो। L3 की हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि L3 सूर्य के विपरीत दिशा में और सूर्य के आगे वाली दिशा में ही हम नहीं जा पा रहे हैं, तो पीछे तो छोड़ो, पीछे हम नहीं जा सकते हैं। तो L3 पर वर्तमान समय में यहाँ पर किसी भी प्रकार के सैटेलाइट को जो है स्थापित करना लगभग मुमकिन है। तो हम चर्चा करेंगे L4 की, L5 की और L1 की। L2 पर हमें नहीं जाना है। L2 पर जाने के लिए याद रखना है क्योंकि ये पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन और पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में हम पृथ्वी के बाहर के अंतरिक्ष की चर्चा करें जहां पर सूर्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर ऐसे सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा इस लैग्रेंज बिंदु पर जहां हमें तापमान की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप आपने देखा होगा, है ना, नासा के द्वारा छोड़ा गया टेलीस्कोप को लैग्रेंज 2 पर स्थापित किया गया है क्योंकि यह अंतरिक्ष गहन अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए इसे भेजा गया है, न कि सूर्य। इसीलिए इसे कम टेम्परेचर पर ही रखना अनिवार्य है। यही कारण है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को जो है वह L2 बिंदु पर स्थापित किया गया है। अब L1 पर ही क्यों? तो L1 पर इसलिए क्योंकि पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना, यानी कि आप मान सकते हो कि 15 करोड़ किलोमीटर में ये जो L1 बिंदु है इन 15 किलोमीटर की बीच की दूरी जो है ये इस डिस्टेंस का 1% दूरी पर है। कितना है? लगभग 15 लाख किलोमीटर। तो सूर्य के सबसे नजदीक हमारे पास यदि कोई लैग्रेंज बिंदु है तो वो L1 है। पहली चीज इसलिए हम L1 पर भेज रहे हैं क्योंकि हमें सूर्य का ही अध्ययन करना है, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है, सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करना है। तो इसलिए सूर्य के नजदीक जहां पर हम देख सके कि भाई कौन सा पॉइंट है जहां पर हम भेज सकते हैं। और यहां पर तक जो अगर हम बात करें कि L1 बिंदु पर, तो हमने इतना सक्षम बनाया है कि वह उतने तापमान को सहन कर, इसीलिए हम L1 बिंदु पर देखा। और तीसरी चीज, हम L1 बिंदु पर आके क्यों स्थापित कर रहे हैं? तो L1 बिंदु पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा, यानी कि यह 24 घंटे 24/7 बिना किसी रुकावट के कार्य करेगा, है ना। तो इसलिए हमने L1 बिंदु यानी कि लैग्रेंज बिंदु जो है वो एक पर हम आदित्य L1 को स्थापित कर रहे हैं। समझना? तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैग्रेंज बिंदु है ना, एमपीपीएससी मेंस में आपको हो सकता है कि 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन बन सकता है कि लैग्रेंज बिंदु L1 पर ही क्यों आदित्य L1 को स्थापित किया। इसके कारणों में आप लिख सकते हो क्योंकि L2 पर जो है वो L2 पृथ्वी के अपोजिट है। यहाँ पर ये लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट में अगर देख सकते हो तो L2 जो है वह पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में स्थित है जहाँ पर सूर्य का अध्ययन आसानी से नहीं किया जा सकता और ग्रहण का प्रभाव इस पर होगा। L3 पर पहुंचा नहीं जा सकता, L5 L4 का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, L1 का जो है वो कम है, इसे हमें देखना होगा, है ना। तो ध्यान देना, तो ये लैग्रेंज बिंदु। और यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर यहाँ से यदि हमने आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया है तो ये यहाँ से मनोरिंग करेगा, है ना, यानी कि इसके इलिप्टिकल शेप में जो है यह घूमेगा। और घूमकर याद रखना है यह पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर जो है वो क्रूज फेज में चला जाएगा, यानी कि वह L1 बिंदु के पास में जाएगा। और L1 बिंदु के पास में जाकर यहाँ पर फिर से एक मनोरिंग होगी, यानी कि इसे फिर से एक अंडाकार कक्षा में डाला जाएगा और L1 बिंदु के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में इसे प्रक्षेपित कर देगा। स्वाभाविक सी बात है कि L1 बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पर न तो ये इधर की ओर जाएगा न ही ये इधर की ओर जाएगा, जहां पर दोनों ही पिंडों की गुरुत्वीय शक्ति बराबर है। यह कारण है कि यहाँ पर ईंधन की खपत कम होगी। और यहाँ से यह याद रखना है अपने सैटेलाइट में स्थित जो नित्य भार है उसकी मदद से सूर्य का अध्ययन करते रहेगा, ठीक है। तो याद रखें, और ये भी ध्यान में रखना है कि पृथ्वी की सतह से ये L1 बिंदु की जो दूरी है स्ट्रेट डायरेक्शन में वह 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है, है ना। और ये भी हमें समझना है कि 15 करोड़ किलोमीटर हमसे सूर्य दूर है, तो उसका 1% दूरी पर ही हम भेज रहे हैं। और इस दूरी को
इस ऑर्बिट में, इसे याद रखना है हेलो ऑर्बिट कहा जाता है, इस हेलो ऑर्बिट में याद रखना है पहुंचने के लिए लगभग आदित्य L1 को 4 महीने का समय लगेगा। हमें जनवरी महीने तक लगभग इंतजार करना पड़ेगा, 125 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। आइए हम चर्चा करते हैं आदित्य के नित भार की। तो आदित्य L1 में जो है वो 7 नित भार लगाए गए, ये ध्यान है, कितने नित भार लगाए गए, 7 नित भार लगाए गए हैं, जिनमें आप देख रहे होंगे कि HUIT है, BELC पापा है ना, मैग्नेटोमीटर सोलेक्स है, और हेल यानी कि HEL1 OS है। ये हमारे 7 नित भार जो है वह लगाए गए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला है विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफ, यानी कि यहाँ पर लगाया गया है विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफ, यानी कि यह सूर्य का जो बाहरी वातावरण होता है, क्रोमोस्फीयर के पास बाहर जो एक हेलो ऑर्बिट बनता है, जो एक आभा मंडल बनता है, उसे हम कोरोना कहते हैं। आगे देखेंगे हम सूर्य के बाह्य संरचना में कोरोना को देखेंगे क्या है, लेकिन जब बाह्य मंडल का हम अध्ययन करते हैं तो जिसे कोरोना कहते हैं, तो उसके अध्ययन के लिए हमने विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफ को बनाया गया। दूसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे सौर ज्वालाओं के अध्ययन के लिए बनाया गया है, लो एनर्जी। उसी प्रकार से हाई एनर्जी के लिए L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया है जो उसी सौर ज्वालाओं का अध्ययन करेगा, उच्च ऊर्जा एक्सरे। नेक्स्ट है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, है ना, यह अल्ट्रावायलेट तरंगदैर्ध्य रेंज में सोलर डिस्क की छवि लेगा। अब समझना है क्या है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, क्या करेगा कि सूर्य के वातावरण में जो अल्ट्रावायलेट रेज है उन रेज का अध्ययन करेगा, और उन रेज के अध्ययन करने के बाद इसके वातावरण में अल्ट्रावायलेट रेज का जो इमेजिंग होगा, जो इमेज होगा, इसको प्राप्त करने का प्रयास यह करेगा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इसकी जगह, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये भी हमें ध्यान रखना, पापा जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। पापा को सौर हवाओं और इसकी संरचना को समझने एवं सौर पवन आयनों का बड़े पैमानों पर विश्लेषण करने के लिए बनाया है ना। तो प्लाज्मा एनालाइजर यानी कि देखिए हमने सूर्य देखा है, तो सूर्य से जो सौर ज्वालाएं निकलेगी उससे जो प्लाज्मा इंजेक्ट होगा, उस प्लाज्मा के अध्ययन के लिए हमने प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य बनाया गया, जिसे पापा के। नेक्स्ट है सोलर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, है ना, FX की अगर हम चर्चा करें, जो सौर तूफान वगैरह होते हैं, जो सौर हवाएं होते हैं, इनके अध्ययन के लिए हमने इस पेलोड को वहां पर लगाया गया है आदित्य। मैग्नेटोमीटर की अगर हम चर्चा करें तो मैग्नेटोमीटर याद रखना है ये अंतरिक्ष में कम तीव्रता वाले अंतर्ग्रह चुंबकीय क्षेत्र का मापन करेगा। एक चीज और ध्यान देने योग्य है, अगर हम प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा की यदि हम बात कर रहे हैं, है ना, सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और मैग्नेटोमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये तीन हमारे जो नित भार है ये इन सीटू पद्धति पर आधारित ये कि ये आदित्य L1 ये इस हेलो ऑर्बिट में जो घूमेगा और अध्ययन करेगा, तो इन सीटों का तात्पर्य होता है स्वस्थान, यानी कि अपने ही स्थान पर जो चीज आ रही है उन चीजों को लेकर अध्ययन करेगा। तो हमारे जो लास्ट के जो तीन जो मैंने बताया है, पांचवा छठा और सातवां, यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, एस्पेक्ट्स और मैग्नेटोमीटर की यदि हम बात कर रहे हैं, तो ये तीन जो है वो इन सीटू पद्धति पर कार्य करेंगे, जबकि ये विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ SOLX L1 OS और SUIT जो हमने नितभार लगाया है, ये दूर से सीधा सूर्य का अध्ययन करेगा, है ना, ये इन सीटू नहीं, ये दूर से रिमोट तरीके से जो है वो सूर्य का अध्ययन करेगी, जबकि इन सीटू कौन है, ये तीन है ना, पापा, एस्पेक्ट और मैग्नेटोमीटर, ये इन सीटू पद्धति पर कार्य करेंगे। ये 7 नितभार जो है वो आदित्य L1 में लगे हुए हैं, है ना। तो ये पूछा जा सकता है आदित्य L1 के नितभारों की चर्चा कीजिए, है ना, तो हमें देखना होगा। अब चर्चा कर लेते हैं PSLV C-57 की, जिस प्रक्षेपण यान से हमने आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया यानी कि लॉन्च किया, उस PSLV C-57 की हम चर्चा कर लेते हैं।
पीएसएलवी C57 याद रखना है, पीएसएलवी के तीन प्रमुख संस्करण जो होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको शुरुआत में, इसके तीन प्रमुख हैं, पीएसएलवी स्टैंडर्ड, पीएसएलवी कोर अलोन और पीएसएलवी एक्सेल। यदि हम तीन की चर्चा कर रहे हैं तो एक्सेल याद रखना है, यह सबसे ताकतवर पीएसएलवी का संस्करण है। और इसी संस्करण की यदि हम बात करें तो पीएसएलवी एक्सेल की यह 25वीं उड़ान है, जबकि हम टोटल पीएसएलवी की बात करें तो यह टोटल पीएसएलवी की 59वीं उड़ान है। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं ट्री के लिहाज से, है ना। तो पीएसएलवी याद रखना है चार चरणों वाला प्रक्षेपण यान है और यह पीएसएलवी की 59वीं उड़ान है, जबकि पीएसएलवी एक्सेल की यह 25वीं उड़ान है। चार चरणों वाला है, इन चार चरणों में पहला और तीसरा चरण जो है वो ठोस ईंधन से युक्त होते हैं, जबकि दूसरा और जो चौथा चरण होता है वह द्रव ईंधन से यानी कि तरल ईंधन से युक्त होते हैं, है ना। पहले चरण में याद रखना है सबसे ज्यादा हमें प्रणोदक की आवश्यकता होती है ना, प्रोपेलेंट की आवश्यकता होती है हमें, क्योंकि पहले ही चरण में इसे ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है जिससे कि यह है ना एस्केप वेलोसिटी को प्राप्त कर सके, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल सके। तो इसके लिए याद रखना है ज्यादा गति को प्राप्त करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किंतु प्रथम चरण में जो ठोस ईंधन होता है वह याद रखना है कंट्रोलेबल नहीं होता है, कंट्रोल करने के इसके पथ को नियंत्रित करने के लिए हमें दूसरा चरण जो है वो लिक्विड फेज को बनाना पड़ता है, यानी कि तरल ईंधन वाला बनाना पड़ता है। लेकिन इस तरल ईंधन को इग्नाइट करने के लिए, इसे ज्वलित करने के लिए एक विशेष प्रकार का इंजन बनाया जाता है और इसका भारत ने विकास किया है, और इसका भारत ने विकास किया तो है और इसका नाम भी हमने क्या रखा है, विकास। तो दूसरे चरण में हमने विकास इंजन को विकसित किया है, ध्यान रखना। तो प्रथम चरण की बात करें तो इसमें 6 S-139 स्ट्रेप ऑन बूस्टर लगे हैं, इसमें 139 टन ठोस प्रणोदक HTPB, यानी कि HTPB याद रखना है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये हमारा ईंधन है, इसमें भरा जाता है। दूसरे चरण की यदि हम बात करें तो इसमें विकास इंजन लगाया गया है और 41 टन प्रणोदक भरा गया है, जिसमें UH25 और N2O4 जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है, ये ईंधन के रूप में यूज होगा और यह ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है। अब UH25 क्या है, तो UH25 जो है वो याद रखना है यह मिश्रण होता है 75% UDMH का और 25% जो है वह HH का होता है, यानी कि इसके फुल फॉर्म की अगर हम चर्चा करें तो UDMH का फुल फॉर्म है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। तो UDMH का 75% और HH यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रेट का मिश्रण होता है, तब जाके UH25 बनता है, है ना। तो यहाँ U से संदर्भित होता है UDMH और H से संदर्भित होता है हाइड्रोजन हाइड्रेट, तो UH25 प्लस N2O4 ऑक्सीकारक के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तीसरा चरण जो है वो पुनः से ठोस ईंधन वाला होता है, इसमें पुनः से HTPB का प्रयोग करते हैं और 7.65 टन ठोस प्रणोदक का हम यूज करते हैं। चौथे चरण की अगर हम बात करें तो इसमें 2.5 टन जो है वो तरल प्रणोदक है, MMH यानी कि मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, और MONC की अगर हम बात करें तो यह मिक्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मिक्स ऑक्साइड है जो ऑक्सीकारक के रूप में यूज करेंगे और इसका हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से यह पहला चरण है, यह दूसरा चरण है, यह तीसरा चरण है और यह चौथा चरण है, और इसी में याद रखना है ये कैप्सूल के रूप में आपको जो दिख रहा है इसी में हमारा आदित्य L1 रखा हुआ है, है ना। तो ये है पीएसएलवी C57 के बारे में थोड़ी जानकारी, है ना। अगर हम सूर्य के आंतरिक एवं बाह्य संरचना की चर्चा, है ना, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सूर्य का वातावरण कैसा है। अगर हम इस इमेज को देख रहे हैं, इस वीडियो को हम देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तूफान उठते हुए दिख रहे होंगे, है ना। न तो अगर हम देखें इस तूफान को, तो इन्हीं तूफानों की हमें चर्चा करनी है ना, ये क्यों आते हैं, सोलर स्पॉट्स वगैरह कैसे बनते हैं। तो बाह्य संरचना में यदि आप देखोगे तो बाह्य संरचना में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो देखिए ये वाला जो भाग है ये आपको सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का बाह्य वातावरण दिख रहा है। इस बाह्य वातावरण का ये जो बाहरी भाग है, ये जो बाहरी भाग है
ये जो बाहरी भाग है, तो इस बाहरी भाग के ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है कोरोना। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोरोना। ये सूर्य का जो सतह है, इस सतह से ये कोरोना के बीच वाला भाग का जो भाग है इसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। जो दृश्य प्रकाशित भाग है, जो हमें दिखाई देता है अपने नग्न आंखों से, अगर आप देखने का प्रयास करोगे, जैसे देखना नहीं है क्योंकि इतने प्रकाश को झेलने की ताकत हमारी आंखों में नहीं है, तो ये जो बाहर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। तो बाहर से यदि हम देखें तो हमें ये तीन भाग जो है वह सूर्य के दिखाई देते हैं। एक ये जो फोटोस्फीयर वाला भाग है, हालांकि उसका वायुमंडल हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से हमें उसके बाह्य वातावरण को भी देखना होगा। तो ये क्रोमोस्फीयर है, और क्रोमोस्फीयर का बाहरी भाग जो है बहुत कोरोना के नाम से, किरीट के नाम से जो है जाना जाता है। अगर हम इसमें देखें सूर्य की आंतरिक संरचना में, देखिए ये है, ये कोरोनल पार्ट है, ये वाला दिख रहा आपको कोरोना है, ये वाला पार्ट। दूसरा ये वाला जो है ये क्रोमोस्फीयर, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये क्रोमोस्फीयर के दायरे में आए। ये जो चमकीला भाग है, जो सतह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर, तो ये वाला भाग जो है वो फोटोस्फीयर है। अब इसके अंदर वाले भाग पर यदि हम जाए तो अंदर वाले भाग पर जो है और तीन क्षेत्र में, जो केंद्रीय भाग है उसे कोर के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर वाला जो भाग है ये रेडिएटिव जोन है, और इसके बाद वाला ये जो क्षेत्र है ये कन्वेक्टिव जोन है, यानी कि कन्वेक्शन जोन है। तो अगर हम फोटोस्फीयर से अंदर की ओर जाए तो हमें कुल चार भाग, और वायुमंडल से अगर हम अंदर की ओर जाए तो सूर्य के हमें छह भाग दिखाई देते हैं। ध्यान से समझना, जो केंद्रीय भाग है वो कोर है, कोर के बाद वाला जो भाग है वो रेडिएटिव जोन होता है। चर्चा करेंगे आगे रेडिएटिव जोन क्या है, लेकिन अभी फिलहाल देख लीजिए कि क्या क्या होता है। इसके बाद का ये जो क्षेत्र है ये कन्वेक्टिव जोन है, कन्वेक्शन जोन है। क्या करता है कन्वेक्शन जोन, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसी को समझना है। इसके बाद वाला ये जो बाहरी भाग जो हमें दिखाई देगा बाहर से, देखिए हमें केवल फोटोस्फीयर दिखाई देगा, न तो हमें कन्वेक्शन जोन दिखाई देगा, न तो हमें रेडिएटिव जोन, और कोर की तो हम चर्चा ही नहीं करते, है ना। तो ये सारे भाग हमें दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देगा सन स्पॉट, फोटोस्फीयर, है ना, हम कोरोना का अध्ययन करेंगे और क्रोमोस्फीयर का, है ना। तो इस डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए तो तीन भाग जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, वो है पहला जो है वो कोर जोन है। कोर जोन यानी कि सूर्य का सबसे सघन क्षेत्र जो होता है वो कोर जोन है। अगर हम सूर्य के संगठन की बात करें तो दो ही गैसेस की प्रधानता है, पहला हाइड्रोजन जो 71% के आसपास, और दूसरा है हीलियम जो 26.5% के आसपास सूर्य में मौजूद है, है ना। तो हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है, हम सभी पता है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया केंद्र में काफी प्रबल तौर पर होती है, और केंद्र में अधिकांश हाइड्रोजन जो है अब वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। शुरुआती क्रम में नहीं हुआ होगा ज्यादा हीलियम, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो अधिकांश हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और हीलियम भारी होता है इसलिए केंद्र का घनत्व जो होता है वो बहुत ज्यादा है। बाहरी क्षेत्र में हीलियम की मात्रा कम है, यानी कि हाइड्रोजन की ही प्रधानता है। अगर हम केंद्र से बाहर की ओर आए तो हाइड्रोजन, तो यहां पर केंद्र में अगर हम देखें तो केंद्र में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान है, और ये जो बाहर का भाग है जिसे हम फोटोस्फीयर कह रहे हैं, इस फोटोस्फीयर का जो तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, तो इतना अंतर क्यों है, इसका भी हमें अध्ययन करना है जो आदित्य L1 के पेरोड करें। हम बात करें यहां पर संलयन के बाद में ये होता है रेडिएटिव जोन। क्या होता है? रेडिएटिव जोन, यानी कि ये वाला जो भाग होता है रेडिएटिव, यानी कि केंद्र से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, गामा रेज, एक्स रेज, और जो प्लाज्मा के कण होते हैं वो बाहर की ओर निकलने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? बाहर की ओर रेडिएट होने का प्रयास करते हैं, इसीलिए यहाँ पर याद रखना इसे रेडिएटिव जोन कहा गया है, विकिरण क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन, यानी कि ये वाली चीजें जो है वह बाहर की ओर फोटोस्फीयर की ओर संवहनीय तरीके से निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कन्वेक्शन जो जोन है, ये जो जोन है इसकी संरचना क्या है, तो इसमें याद रखना है ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेल्स बने हुए हैं, ये सेल्स जो है यहाँ पर
बने हुए हैं, ये सेल्स जो बने हुए हैं ये देखना है अब ये किस गैस के बने हैं। तो ये सेल्स हाइड्रोजन गैस के बने हैं, है ना, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन गैस की ही प्रधानता है। तो इस सेल्स से याद रखना है अत्यंत, अब इन सेल्स को भी देखना है, ये सेल्स इस साइड से जो है वो छोटे हुए चलते जाएंगे, यानी कि फोटोस्फीयर की ओर इनकी साइज जो है वो छोटी होती चली जाएगी। तो इस छोटे होने के कारण याद रखना है कि ये जो रेडिएटिव जोन से जो भी एनर्जी और प्लाज्मा बाहर, देखिए प्लाज्मा संवहनीय होगा, हीट को वो किसी के साथ ले जाएगा, तो प्लाज्मा के साथ ही ले जाएगा। तो ये हीट जब बाहर की ओर निकलती है, यहाँ पर ये जो हीट बाहर की ओर निकल रही है ना, ये तेजी से विस्फोट करती है, याद रखना है, बहुत धमाके के साथ विस्फोट करती है, और यही विस्फोट जो है वो सौर ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ये सौर ज्वाला है ना, जिसका तापमान हम कितना बोल रहे हैं, यहाँ पर आते आते लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब ये जो सौर ज्वालाएं जो आ रही है, जो उठ रही है, ये सौर ज्वालाएं बहुत तेज गति से बाहर की ओर निकलती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था, ये सौर ज्वाला, ये वाला जो सेक्शन आप देख पा रहे हो ना, ये ध्यान से देखना है, ये जो ज्वाला उठी है, अब ये ज्वाला कैसे उठी है, ये यही से इन्हीं सेल से होकर उठी है। अगर हम बात करें तो इन्हीं सेल से होकर ये ज्वाला उठी है। अब ये जैसे ही ज्वाला बाहर की ओर जाती है तो अपने तापमान को रिड्यूस करती है, इसके साथ प्लाज्मा गया हुआ है, ध्यान देना है, इसके साथ प्लाज्मा गया हुआ है, उस प्लाज्मा का टेम्परेचर डाउन होगा, और ये प्लाज्मा याद रखना है या तो इधर के साइड नीचे की ओर आएगा या तो इधर के साइड जो है नीचे की ओर। तो ये जिस जगह पर आता है तो वह तापमान को लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम कर लेता है, और 1500 डिग्री सेल्सियस जब कम कर लेता है तो ये यहाँ पर याद रखना है एक सोलर स्पॉट का निर्माण करता है, यहाँ बनेगा, देखिए दो सेल्स के बीच में सोलर स्पॉट बनता है, और ये सोलर स्पॉट कितने बड़े होंगे ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जितना ज्यादा धमाका होगा उतना ज्यादा सोलर स्पॉट, उतना बड़ा सोलर स्पॉट। और ये देखा गया है कि सूर्य का ये वाला भाग यदि हम विषुवती प्रदेश मान ले तो विषुवती क्षेत्र में धमाके बड़े होते हैं, जबकि इसका विस्थापन जो होता है वो अधिकतर 40 डिग्री तक, कितने डिग्री तक होता है, 40 डिग्री तक होता है, यानी कि ये जो सनस्पॉट बनते हैं वे ये सूर्य के विषुवत से लेकर, यानी कि इसके सेंटर से लेकर 40 डिग्री तक विस्थापित हो सकते हैं। तो 40 डिग्री तक याद रखना है, जैसे यह 40 डिग्री की ओर जाते हैं इनका आकार छोटा हो जाता है, और जैसे ही यह विषुवत की ओर आते हैं इनका आकार बड़ा होता है। तो इनको बनने और बिगड़ने में टोटल 11 साल का वक्त लगता है, यानी कि 40 डिग्री तक विस्थापित होने के लिए इन्हें लगभग 5.5 वर्ष लगते हैं, और पुनः से आने के लिए लगभग 5.5 वर्ष लगते हैं। तो ये बनते हैं और बिगड़ते हैं, इनका यही चक्रण चलते रहता है, और ये जो चक्रण होता है याद रखना है, जब 40 डिग्री पर जाएगा तो इनका आकार छोटा हो जाता है, और जब ये यहाँ पर बनते हैं तो इनका आकार बड़ा होता है। इसी घटना को यहाँ पर मैक्सिमा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर इसे मिनिमा के नाम से जाना जाता है 40 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो ये सन स्पॉट्स में क्या होता है मिनिमा और क्या होता है मैक्सिमा, ये आपको अब समझ में आ चुका होगा। तो जो सोलर स्पॉट्स होते हैं जो नीचे की ओर यदि आते हैं तो देखिए वो तापमान को कम करते हुए आते हैं, इसीलिए जो सौर कलंक होते हैं उनका तापमान कम होता है। अब कहीं आपने सेंटेंस सुना होगा कि जहां पर सौर कलंक ज्यादा बन रहे, बड़े बन रहे हैं, वहां से ज्यादा ऊर्जा आती है ना, तो वो क्यों आ रहे, बड़े सोलर स्पॉट्स क्यों बन रहे, क्योंकि ज्यादा सौर ऊर्जा जो है बाहर की ओर निकली होगी तभी तो बड़े सोलर स्पॉट बन रहे हैं। तो जितने बड़े सोलर स्पॉट बनेंगे समझ लेना है उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वह अर्थ की ओर आएगी या सोलर सिस्टम में जो है वह जाएगी, तो ये हमें समझना है। तो इसी का अध्ययन हमें करना है, ये जो सौर ज्वालाएं उठ रही है, अब ये उठकर जो है याद रखना है नीचे की ओर अगर आ रही है तो याद रखना है इसके बाहरी क्षेत्र जो है वह खाली हो जाएगा, अगर ये नीचे की ओर जा रहा है तो ये वाला क्षेत्र जो है वह खाली हो जाएगा। तो ये जितने दूर तक जा रही है उतने दूर तक वह क्रोमोस्फीयर बनाए, याद रखना उसका बाह्य वातावरण, और इस क्रोमोस्फीयर के बाहरी क्षेत्र से जब यह प्लाज्मा वगैरह अंदर की ओर पुनः से आते हैं तो ये खाली ऑर्बिट रह जाता है, ये खाली क्षेत्र रह जाता है, इसे खाली क्षेत्र को याद रखना कोरोना का क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। तो इसी चीज के अध्ययन के लिए हमने आदित्य को भेजा है। तो ये है सूर्य की आंतरिक संरचना और
बाह्य संदर्शन, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। अब बात कर लेते हैं अन्य देशों के कुछ सोलर मिशन, है ना। अगर अमेरिका की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा सूर्य के लिए जिसने अध्ययन के लिए अगर कोई मिशन भेजे है तो वो अमेरिका है। पहला भी इन्हीं ने भेजा था, याद रखना, सूर्य के लिए सबसे पहला मिशन 1960 में पायनियर जो है वह नासा ने लॉन्च किया था, अमेरिका यूएसए ने लॉन्च किया था। सबसे ज्यादा सोलर मिशन अमेरिका ने भेजे थे। नासा का ISSEE-3 सोलर मिशन को 1978 में भेजा गया। यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने पृथ्वी की ओर आने वाली सौर आंधी को जो है वह ऑब्जर्व किया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, नासा ने विंड 1994 में, जीनियस 2001 में, स्टीरियो ANV 2006 में, पार्कर सोलर प्रोब 2018 में भेजा। याद रखना, पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला अब तक का एकमात्र पहला सोलर अभियान है, ये सैटेलाइट है, क्योंकि इतने नजदीक और कोई नहीं पहुंचा है, है ना। तो सोलर प्रोब को क्यों भेजा है? सूर्य के नजदीक पहुंचाने के लिए भेजा है। ये इसलिए भेजा है कि कितना तापमान यह सहन कर सकता है और सूर्य के कितने नजदीक जा सकता है, क्या यह सूर्य को छू सकता है। इसी उद्देश्य से याद रखना है, नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को जो है वह प्रक्षेपित किया। जर्मनी की बात की तो जर्मनी ने स्वयं होकर अपने आप से कोई सोलर मिशन नहीं भेजे, बल्कि नासा के सहयोग से भेजे। इसने दो मिशन भेजे हैं, दोनों ही मिशन नासा के सहयोग से। पहला मिशन हेलियोस ए जो 1974 में, और दूसरा हेलियोस बी जो 1976 में भेजा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अगर हम बात करें तो ईसा, जिसे हम कहते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ने अब तक चार मिशन भेजे हैं, जिसमें से तीन मिशन नासा के सहयोग से और एक मिशन जो है जिसे प्रोबा 2 जो 2021 में लॉन्च किया, ये ईसा ने अपनी मेहनत से भेजा है, इसमें नासा का सहयोग नहीं था। अब समझना है, ईसा 2024 में प्रोबा 3 और 2025 में स्माइल मिशन लॉन्च करेगा। चीन की अगर हम बात करें तो 2019 में इसने एक छोटा सा सैटेलाइट जो सूर्य को समर्पित किया था उसे भेजा था, लेकिन वो प्रायोगिक तौर पर था। वर्ष 2022 में चीन ने एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी ASO-5 लॉन्च किया है। इसे पृथ्वी से 720 किलोमीटर की दूर की एक कक्षा उसमें रखा गया है ना। और वर्ष 2030 तक चीन सोलर स्पेस टेलीस्कोप को भी लॉन्च करने वाला है। और भारत की अगर हम बात करें तो 2023 में, 2 सितंबर 2023 को भारत ने भी एक यह लॉन्च किया होगा, जिसे आदित्य एलन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आज हमने लगभग सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया है, और अन्य वीडियो में हम देखेंगे कि और महत्वपूर्ण चीजें जो मेंस के और प्री के दृष्टिकोण से होगी उसको भी लेने का हम प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।